और अब बात दिल्ली की करते हैं। बड़ी खबर आज फिर से होगी एमसीडी सदन की बैठक। अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक होगी स्थायी समिति के। रिक्त पद पर होगा चुनाव। कल हंगामे के बाद नहीं हो पाया था चुनाव। दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के रिक्त पद पर चुनाव गुरुवार रात नहीं हो सका। एलजी वीके सक्सेना ने गुरुवार को ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सदन में हंगामे के बाद चुनाव को आज के लिए टाल दिया गया। कमलजीत सहरावत के सांसद बनने के बाद एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का एक पद खाली हुआ था। अगर स्टैंडिंग कमेटी के इस पद पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत होती है तो चेयरमैन बीजेपी का बनेगा, लेकिन अगर आप उम्मीदवार की जीत होती है तो मामला टाई हो जाएगा और चेयरमैन का फैसला लॉटरी सिस्टम से होगा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच चीनी लहसुन के खिलाफ डाली गई जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। आज अधिकारियों को कोर्ट ने तलब किया है। वकील मोतीलाल यादव चाइनीज और देसी लहसुन लेकर कोर्ट पहुंचे। उन्होंने बताया कि 2014 में चीनी लहसुन से होने वाली बीमारियों को देखते हुए इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी देश में चीनी लहसुन बेचा जा रहा है, जिस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। आज यूपी के फूड सेफ्टी और ड्रग डिपार्टमेंट के चीफ को कोर्ट ने तलब किया है। जब ऑलरेडी बैन है तो इंडिया के अंदर लहसुन आया कैसे? मैंने सीबीआई की जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग भी की है।